हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि कब तक ये स्टार्ट कराया जा सकता है। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी से सुधार करवा लीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। 10-15 दिन जो भी आपके पास समय है तो उसमें आप अच्छे से चेंज करा लीजिए। देखिए, बात यहां तक चल रही है कि आपकी मतलब फिर से ये लिस्ट डाली जाएगी और जिसमें आपका जो नाम है और पोस्ट आपको अलॉट हुई थी वहां पर एक कॉलम और बढ़ाया जाए डिस्ट्रिक्ट ऑफर का, क्योंकि उस समय रिजल्ट जल्दी निकाला गया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफर अगर उस समय करते तो बहुत लंबा समय लगने वाला था और उनकी कोशिश यही थी कि इस महीने लास्ट तक जो है वो आपका रिजल्ट बना के दे दिया जाए। तो अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफर जो है वो हो सकता है लिस्ट आपकी एक और आए और वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफर लिखा हो। अगर लिस्ट नहीं आती है तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो बाई पोस्ट आपको जो है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा डीबी कराने के लिए। तो आप चले जाइएगा डीबी कराने के लिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा उसके अधिक ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी और उसी के साथ 2 करेक्टर सर्टिफिकेट भी लग के आएंगे। जो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे आप वेरीफाई करा लीजिएगा, कोई भी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं इस पे और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी इसलिए मैंने बनाई है कि कल से आप लोग मतलब मंडे से आप अच्छे से लग जाइए। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो, आधार कार्ड में नाम है, DOB है, या फिर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो खुलवा ले और एक चेकबुक वगैरह भी मंगा के रख ले, क्योंकि चेकबुक भी लग जाती है, तभी आपकी जो है सैलरी प्रॉपर तरीके से आ पाएगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर डिटेल के साथ। थैंक यू।